जय हिंद दोस्तों, ये शाही डेयरी है गांव नगामा मोरिंडा के पास में, जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब। दलविंदर जी हैं, इनके पिताजी हैं स्वर्ण सिंह, जो इसका संचालन करते हैं। किसान हैं और खेती करते हैं, तो दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण है कि सहायक धंधा अपना के चलो। तो आज ये जम्मू कश्मीर के लिए भेज रहे हैं, और जिनको भेज रहे हैं वो भी सरदार हैं, तो करते हैं बात। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये क्या है आपकी किताब जी? हमारी इसमें तो आप भी हो। है तो हम भी, लेकिन आप देते नहीं हो। आज पता नहीं बहुत मुश्किल से ली है। नहीं, बात ये है ना कि पहले अपने बारे बोलो, क्या लिखा है इसमें तुमने? दिखाओ फोटो, कहाँ है तुम्हारी? मेरी फोटो भी है जी, दिखा देते हैं। ये आ गई जी। अच्छा, ये शादी के पहले की है? शादी के पहले की है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लिखा है इसमें आपने? ये जो जितनी का मैंने नॉलेज थी पशुओं के बारे में, हीट के बारे में जितनी नॉलेज थी उसमें लिखी। पशु हीट में नहीं आता है? हाँ जी। तो कई बार आता ही नहीं है, पता कैसे चलता है? फिर दिखाई नहीं देता। कई पशु होते हैं जी, वो तो डंगर के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। हाँ। कई होते हैं थोड़ा थोड़ा तार दे के ही तारे पे रहते हैं। मतलब जैसे अब आप लोग तो यहाँ रहते हो। हाँ जी। जो तबेले में रहेगा, हाँ जी, तो उसको पता चल जाएगा। नहीं, हाँ भी अपने तबेले में जब कई लोग लापरवाही करते हैं तबेले में, वो तो फिर फेल होएंगे जी। वहाँ से कम गड़बड़ होता है। इसका मतलब है कि आना बहुत जरूरी है। जब डंगर ने काक खाकर पीछे जाकर बैठ गया, आराम कर रहा है जी, चारा खा के बैठ गया जी। हाँ। तो जब उस टाइम उसके पीछे गेड़ा मारो, पता चलता है भी क्या कर रहा है। अच्छा, तार कर रहा है, नहीं कर रहा है, खा के बैठा है। बैठा है जी। उस समय चक्कर लगाओ, उस समय सुबह जब बैठा है डंगर। हाँ। उस समय देखो जाके। अच्छा, उस समय पता चलेगा कौन हीट पे आ रहा है, किसकी तार दे रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे अब हीट में है। हाँ जी। तो कितनी देर तक पता चलता रहता है कि हाँ हीट में है ये? कई कईयों की हीट बहुत लंबी रहती है, 2-3 दिन रहती है जी। अच्छा, 2-3 दिन की रहती है। कई तो दिहाड़ी में ही, मतलब एक दिन तो रहती है। हाँ, एक डेढ़ दिन तो रहती इसका है। मतलब जो एक दिन भी पूरे तबेले में नहीं आता है वो घाटे में घाटे में जाता है जी। तो दिन में कम से कम 2 चक्कर जरूरी है? 2-3 चक्कर तो जरूरी है जी, जब घंटे बाद जरूरी है। जरूरी है, जरूरी। एक बंदा तो तबेले में जरूरी है जी, जब फार्म कामयाब करना जी। आपने लिखा है, बहुत आपका धन्यवाद है। आप बता रहे हैं देते नहीं? देते क्यों नहीं? नहीं, बात ये है ना कि देखो, हमारे कस्टमर कहीं मांगते हैं किताब, हमसे 50-60 लोगों ने मांगी। हाँ जी। हमने उनसे बोला भाई 40-50 रुपए इसका कोरियर का खर्चा है, 200 रुपए इसकी कीमत आप खाते में डाल दो। हाँ जी। उन्होंने खाते में डाल दी, और हमने जो है 20 लोगों के आए थे, तो हमने वो जो है कोरियर करवा दी। ठीक है। वो गाँव के एड्रेस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बंगाल बिहार में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पोस्ट ऑफिस का काम है। बिल्कुल। तो पहुंचने में टाइम बहुत लगता है जी। तो हमने तो जिन्होंने आज पैसे भेजे वो 1 घंटे बाद पूछते हैं कि हमको कब मिल जाएगी, आपने भेजी नहीं। मेरे को तो मैं कहना कल एक कर रहे कि हमको लेनी नहीं है। मैं कोई बात नहीं, अपना अकाउंट दो, आपके पैसे वापस कर देते हैं। मेरे को 3-4 महीने बाद मिली है मेरे को तो। आप यहाँ बाहर तो फिर टाइम ही लगेगा जाने को। हाँ, तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने सोचा कि अब भेजनी नहीं है, जो आएगा उसको 2 हैंड दे देंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो उसमें बेइज्जती वाला काम है। बिल्कुल, कहते हैं 200 रुपए ले लिया, किताब भेजनी नहीं है जी। अच्छा, ये गाय देखो बहुत सुंदर है। हाँ जी, ये फर्स्ट में है जी। ये पहले में? हाँ। ये तो बुढ़ी लग रही है। नहीं, बुढ़ी नहीं, थोड़ी वैसे फार्मर की। दांत बताएंगे कितने? दांत तो पूरे होगी, है फर्स्ट में, लेकिन पहले प्रेगनेंट नहीं हुई। कितने साल की है ये? इस साल तो 3 साल के करीब होगी, लेकिन 4 साल के करीब होगी। जिन्होंने खरीदी आएंगे बीच में कैमरे में। हाँ जी। वीर जी, आपने खरीदी है जी? पहले कितने आपके पास? काम नया स्टार्ट कर रहे हैं जी। नया जी। कितनी खरीदी आपने? 7। कितने की? 6,30,000 की। कितना है किराया? हाँ जी, किराया कितना? यहाँ से? हाँ। 50,000। तो वहाँ फीड वगैरह सब मिलेगा? हाँ, फीड मिल जाता है। आपको है पूरा ज्ञान? जी, ज्ञान है। ज्ञान जी। इनसे तालमेल बना के रखना। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अमरजीत सिंह कहाँ पे है? वहाँ पे बारामूला से। बारामूला जी। वो तो बड़ा खतरनाक एरिया है। हाँ जी। तो नहीं, ठीक है, ठीक। डर नहीं लगता? नहीं नहीं। अच्छा, चलो धन्यवाद। शैलेश की गाड़ी साथ में, क्या रेट मिला है? शैलेश मेरा इनको 4.60 रुपए जी। 4.60 रुपए। हाँ जी। दलविंदर एक बात बताओ। हाँ जी। 4.60 रुपए तुमने दिलवा दिया, कहाँ दिलवाया? वो है संभराले, हमारे संभराले है बेटे की, पंजाब है, पंजाब वाले की। खोल के देख लिया? हाँ जी, हाँ जी, खोल के देखा। हमने पूछा एक समय करनाल में। हाँ जी। मैंने कहा भाई वो शैलेश, वो कह रहा यार नाम मत लो। हमने कहा क्यों? कहता हम लाए, कहता कि जब कहता खोल के देखा तो उसमें से पानी पानी। एक नंबर शैलेश है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो गेहूँ का भी शैलेश बनाया लोगों ने? बनाया गेहूँ का भी। तो महंगा पड़ता है, सस्ता?
ठीक है पड़ता, पर जो वो मक्की का सेल जैसे कवर का तो कोई भी नहीं है जी। तो गेहूँ में जो गुण है वो मक्का में नहीं है, मक्का में जो गेहूँ में नहीं है वो तो बात सही है, लेकिन मक्का में दूध ज्यादा है। अच्छा, तो दूध ज्यादा है मक्का में। मक्का जो गेहूँ का होता है ना, जब थोड़ा दाना बन जाता है उसका वो कंडा जा तरसूल जा सूल जा हो जाता है, जब अपनी गेहूँ पक रहा है जी वो इनके लगता है जाके अंदर। फिर नहीं तो वो कुछ पहले नहीं हो सकता, 5 दिन पहले फिर कच्चा हो जाए तो फिर दाना दूध नहीं, थोड़ा दाना बने सी दूध है। फाइबर ज्यादा होता है, इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं, लेकिन मैं भी कभी पाया नहीं डंगर अपने को जी। अच्छा, ये कितना दूध देगी ये? ये दूध तो 40 प्लस तो इसको देना चाहिए जी। 40 प्लस, 40 प्लस तो देगी, 40 से ऊपर देगी। बोला मतलब ठंडा मौसम है वहां तो अच्छी पलेगी। हां सही बात है जी, वहां तो कोई हो सकता है ये 45 प्लस से कर देवे जी। अच्छा। लेकिन हम ही है इसका, गर्मी में भी 40 प्लस जो लेंगे। तो पहली ब्याद की है? ब्याद पहली की है जी। तो लेट हो गई ना? लेट हो गई, जो फार्मर से रही है। उम्र बताया था इसकी? इसकी उम्र तो तकरीबन 3.5-4 साल की होगी। तो दाम क्या है? ये जोड़ा इकट्ठा लिया था जी। कितने का ये जोड़ा लिया सी? ये वाला जोड़ा सी 1.93 का। अकेली कितने की? अकेली तो 1.40-1.35 की चाली की है। अच्छा, हाँ जी। अब 1.93 में जोड़े में? जोड़े में लिया जी। तो जोड़े बल ये तो हो सकता है 1.5 की बिक जाए। दूसरी लो बैलेंस बॉडी, ये थोड़ी 20 रोज कच्ची है अभी जी। 20 रोज कच्ची, 20 रोज रहेगी, 20 रोज बाद आएगी, 20 रोज बाद आएगी। यार कच्ची पक्की क्या होता है? ये आपको अपना साहब है जी। अच्छा। क्या 20 रोज लेगी अभी बहने में? हाँ जी, हमारे यहाँ बोली दूसरे ब्यांत की है। ये भी वो पहले की थी? वो पहले की थी। ये पहले के लग रही है, वो दूसरे की लग रही है। उल्टा बोलते हो? उल्टा बोल रहे हैं, जैसे लग रहा जो है आप बोलते हैं। देखने कोई जवान बुढ़ी लग सकती है। ये दूध इसको 30 निकालना चाहिए, 30+ निकालना चाहिए। उससे कम है? उससे कम रहेगी। सिंगों की रिवाइंडिंग से नहीं हुई? कहीं मेरे वर्गा डॉक्टर कच्चा होना है कोई कटने वाला जी, रह गए होने के थे। तो 30 तक देगी? क्या दाम की है ये अकेले की? अकेले की जैसे जो इसको अकेले को बेचे तो बिक जाएगी ये 85-85 की, 80-85 की बिक जाएगी। हाँ जी, अब भी 80-85 की मान लो, वो 40 वाली है थोड़ी ऊपर। हाँ ऊपर जाएगी। कौन सी सीमेंट की है पता कर? ये फार्मर इसको बोल तो डेनमार्क का की रहा था जी। डेनमार्क? हाँ, आगे तो पर हमारी खुद की तो है नहीं। अच्छा, जो पहले थी उसका क्या बोल रहे? वो पीडीएफ है किसमें? पीडीएफ। अच्छा, कौन सा बढ़िया है, डेनमार्क या पीडीएफ? डेनमार्क भी बढ़िया है, पीडीएफ भी बढ़िया, दोनों ही सिरे है जी। अच्छा, अपनी अपनी जगह सब अच्छे है। तो ये अपना पंजाब गढ़वा सुने नहीं निकाला कोई? अपने पंजाब में ही आते हैं जो अपने अच्छे टीके उनके भी। इनका क्या नाम रहता है? ये जो हमारे यहाँ बुल तैयार की हुई ETT सीमर बोलते हैं इनको। हमारे यहाँ अपने उधर से बच्चा मतलब गैंग करके यहाँ ETT बोलते हैं, यहाँ तैयार करे हुए बोला अपने, जैसे पटियाले है, नाबे है, रोपड़ है। ये कितने का सीमन देते हैं? ये भी सीमन तो डॉक्टर लगाते हैं मेरे, यानी कि 150 रुपये लगा देते हैं। अभी चल गई तो वो कभी ट्राई किया आपने? कैसे आप लगाने कैसे? नहीं, आपने कभी अपने पशु को लगवाया? हाँ मैंने लगवाया नहीं, ETT भी लगवाया बहुत। मेरे पास बछड़ी है 35+ पे चल रही है, 35-36 पे फलून बछड़ी, पहली बछड़ी उनकी बछड़ी भी। हाँ जी रविंद्र जी। हाँ जी, ये जो गाय दिखा रहे हो? हाँ जी। तो ये पहले ब्यांत है जी, 6 दांत है। 6 दांत? 6 दांत जी। तो तुम लोग कह देते हो लेकिन दांत तो दिखाते नहीं हो, और फिर कहते हो गाय दिखाती नहीं है। नेड़े लिया अभी, नेड़े लिया। 6 दांत है तो कमजोर बहुत है। कमजोर किसी फार्मर की सेवा कम थी है? जिन्नी कमजोर है, कमजोर तो तंदुरुस्त करके बेचते ना। हाँ जी, तंदुरुस्त करके बेचते है तो तंदुरुस्त है जी। जिन्नी कमजोर है वो भा नाल मिल गई जी, हड्डियां कीर्तन कर रही है। कीर्तन कर रही है, मिल भी भा नाल गई जी। कितने दूध ने? 24-25 किलो आराम ना, 25-26 किलो आराम ना गड्डी जाना जी। निकालेगी? आराम ना निकालेगी जी। दूसरी ब्यांत की है? हाँ जी, पहले ब्यांत की है जी। पहले की? हाँ। 25-26 देगी? इतना देगी। कितना समय लेगी ब्याने? ब्याही हुई है, दूध क्या दिया इसने? इसका बछड़ा है जी। बछड़ा? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या दाम की है? 57,000 की ली है जी। 57,000? 57,000 की जी। फिर तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो हिसाब से ठीक है ना, जैसा इसका बॉडी है। लोग क्या करते हैं जानते हो? हाँ जी। वो कहते हैं ना कि जब कहीं से ऑर्डर आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सुना है। हाँ जी। कि कहते हैं जब माल पड़ा होता है ना, जब ऑर्डर आ गया कहीं तेजी आ गई। हाँ जी। सब निकाल दो, आगे जाके खुलेगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं, आप ऐसा काम नहीं करते, आप जैसे पहाड़ी जिस तरह की उदा ही देने। व्यापारी लोग भी ऐसा करते हैं? करते हो, पर आपा कदे नहीं करे जी। जो भी 3 थन वाली सब भेज देते हैं आपा, तो जो 3 थन वाली होगी भेज देते हैं 10 के भेज, आपा कदे काम करे नहीं जी। अच्छा, ना जी ना। जो ऑनलाइन आते हैं वो फंसते हैं फिर? आप ऑनलाइन ही भेजी है, पहले जम्मू भेजी है गड्डी। हाँ। उन्होंने साफ माल भेजे जी, कोई इदा जी आप नहीं करते, जो होगा आप दस के दें जी। रविंद्र जी, हाँ जी, तारीफें आप करके पहले नंबर वाले की, लेकिन ये हमें उससे भी अच्छी लगी। ये 2 दांत है जी? 2 दांत? 2 दांत है जी। तो पहली ब्यांत है? पहली ब्यांत है जी।
दो दांत है। कितना दूध देगी? दूध इसको भी 40+ देना चाहिए फर्स्ट में जी। 40+ यार, तुम तो ऐसे आराम से कहते जैसे तुमने बाल्टियां भरनी है। मेरे भर दिया ने जी, दिंदिया ने ब्रीडा दिंदिया, दूध दो ब्रीडा। क्या दाम की है ये? ये जोड़ा लिया जी। ये भी जोड़े में? जोड़ा लिया। कितने का? 197 का। वो 93 का था? है 197 का। इसको भी 93 का करवा देते? नहीं हुआ जी, ये दो दांत है जी, ये बछड़ी बाद वाली है जी। तो ऐसे एक बात हमको कहनी नहीं चाहिए, हाँ जी, लेकिन मजबूरी है, कहनी पड़ती है। कहो जी। जो आप लोग ना सब बेचने तक मतलब रखते हो, नहीं गाय बिक जाए, हाँ जी, वो कुछ आगे ज्ञान बांटने वाली बात नहीं करते हो, मन से नहीं करते हो? नहीं, हम तो अपने मन से करते हैं। भाई साहब खड़े ने पूछ लो, जो हमें जितनी नॉलेज है। भाई साहब को तो टोपे रख बांटो, वो तो समझता है करेंगे तुमसे पशु लेने ना उन्हें। जितनी हमें नॉलेज है जी, उतनी तो हम देते हैं। सरकार ने हम दिल से देते हैं बढ़ाने के लिए। बिल्कुल अच्छा काम किया है। बिल्कुल जी, यहाँ भी किया है, पंजाब में भी, जम्मू कश्मीर में भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी स्टेटों में है, हाँ जी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है, हाँ जी, आगे नीचे आके, हाँ जी, हाँ जी, वो उसको सही लागू नहीं करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर छत्तीसगढ़, वो अपना झारखंड वगैरह में जो गाय के लिए उन्होंने रखा है फंडिंग, हाँ जी, और वो चाहते हैं कि उससे कम रेट में मिल जाए, हाँ जी, हम बचा लें पैसे, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब बातें चलती है, हाँ जी। और यहाँ पर फंडिंग हो रही है तो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए भूखे से बैठे हुए, तो वहाँ बिना रिश्वत के बात नहीं, 4-4 दिन गाड़ी रोक रखते हैं बॉर्डर पे, डर के मारे बोलते नहीं है, नहीं बोलते कि बिना उन्हें परेशान करेंगे। पुलिस का सबसे गंदा रोल है, और हर नाके के ऊपर पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ये सरकार जो है आंदोलन की भाषा समझती है, हाँ जी, वो लोग आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पंजाब के लोग शेर हैं इस मामले में, आगे होकर कर दो। बिल्कुल सही बात है, तो आपकी सही बात है जी, मोदी के गोडे लगा के छड़ांगे। देखो मोदी ने वहाँ फंडिंग करवाई है, बिल्कुल, कोई बुरा काम नहीं किया, सही बात है। लेकिन बात आगे गलती तो नीचे वालों की है, वो मोदी तो घर में उठ के आएगा नहीं। हम पंजाब वाले को तो तंग कर रहे ना, तो उर्द की दाल कहीं बादी कहीं स्वादी। स्वादी हमें तो बहुत तंग कर रहे थी वालों। ये प्योर में कहीं जाएगी? प्योर में है जी। तो जैसे इसकी बैग जो है उठी हुई है, वो तो जब डंगर ब्याने के नेड़े आता है थोड़ा, तो पुड़े दब जाता है जी। अच्छा, हो जाता है। तो ये कितना दूध देने वाली है? दूध कड्डूगी 30+ कर दूंगी। कौन सी दांत की है? फर्स्ट की है जी, 4 दांत है। चार दांत है। चार अभी शुरू हुआ है, अभी पहले 2 दांत थे। क्या की है इसकी बनावट चेहरे की और ही है? जो फार्मर से रही हो ढनमार्का की बता रहा था तो। अच्छा, कई बार माँ पे चले जाता, थोड़ा कद कम रह जाता है। तो ये कद इतना ही रखेगी? नहीं, कद तो करेगी, अभी 2 दांत थी, अभी तो चोर था, चग का 4 दांत पट्टा ले आ जानी, अभी 2 दांत में नहीं जाएगी। अच्छा। एक साइड से पट्टा ले चार, पहली बार है जी। तो 30 दूध देगी? बिल्कुल। कितना समय मांग रही है? समय ले जाएगी, हफ्ता खंड तो भी एक हफ्ता ले जाएगी। तो कितने दाम की है ये? जोड़ा लिया थी जी, उसी जोड़े के 197 में जी। तो वहाँ भी एक 40 की थी, 45 वाली और एक 30 की थी, हाँ जी। इसमें भी एक 40 वाली, एक 30 की है। ये दोनों दो दांत है जी। कितनी फीड देनी होगी इनको? देखो हम तो पहले तो देते हैं, जैसे डंगर ब्याह गया जी, उसको पहले तो जितना खाती है खिलाते हैं, जब जितने दूध पे चले गए, जो 30 लीटर पे जाके रुक गया, तो फिर इसको 10 किलो फीड कर देंगे। साइलेज कितना देते हैं? साइलेज जितना खा ले, लेकिन ये छोटे भाई कितना 20-25 किलो से ज्यादा को नहीं खाता भाई, इतना 1 किलो तूड़ी खाएगा, 25 किलो साइलेज खाएगा, इतना ही खाता। साइलेज से शरीर फैलता? बिल्कुल, साइलेज से जान पड़ती बैठती है, दूध बहुत है साइलेज में, दूध बहुत। इसलिए भाई साहब को गाड़ी साइलेज की है, तूड़ी की है, जा रही है इनके पास, ये कामयाब होंगे। 4.5-60 रुपए से दिलवाया? 4.60। कितना था तुम्हारा कमीशन उसमें? हमारा कमीशन कुछ नहीं जी, ना कभी लिया ना कभी लेना है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। लोग तो बहुत कुछ करते हैं। भाई साहब को मशीन दिलवाई है, पूछो साथ में जाके कोई। कितने की दिलवाई है? 30,000 की, एक सिंगल ड्रम वाली। की भी कमजोरी कैसे दूर करोगे? कमजोरी तो सहले से। कितना दूध देने वाली है? ये ब्याही हुई है, दूध 28 लीटर इसके नीचे तैयार है, लेकिन 30 से बाहर जाएगी, अभी ऊपर जाएगी। नहीं अब ग्राहक खड़े इसीलिए कह रहे हो कि जाएगी, तुम्हारा अनुभव ग्राहक को पूछो शामी की। नहीं, अब तुम व्यापार की भाषा बोल रहे हो, अनुभव बोल रहा है। आप व्यापार की भाषा कदे बोली हो नहीं जी, जो अपने को आंदे ने उन्होंने अपने समझी दा, पै नहीं समझी दा, कोई परदेसी आया जी, कोई दूरों आया। हमको तो थोड़े अपने ही हो जी। अच्छा, तो क्या दाम की है ये? ये भी जोड़ा लिया जी। ये सारी जोड़े में? जोड़ा लिया जी। ये कितने में है? ये जोड़ा 81 में लिया था जी। ये तो ये अकेली मान लो ये 99
कितने कम तो नहीं है, बिक जाएगी 95। इतनी कमजोर 95 में बिक जाएगी? 95,000 तो कमरा बन जाता है। ब्रीड वाली है, दूध वाली है जी ये? तूने शर्ट डाला 95 में भी नहीं पड़ा होगा, ये तो ज्यादा पड़ा होगा जी। तो ये उस जोड़े की है? ये जोड़े की है। ये भी उतनी कमजोर है? जो डंगर दूध देने वाला होता है ना जी, वो दूध देने को खरता है, जान उसमें बहुत कम पड़ती है। इस हालत में होगा वो दूध देने वाले देगा, देगा। और वो दूध जो है उसकी शारीरिक चर्बी सारी खींच लेता है जी। तो इसको भी हफ्ता हो गया ब्याह को जी। कहते हैं कि मतलब कि पांचवी ब्याह तक जो है उसका चर्बी काम आती है, कम आती है जी। फिर जो है कम होना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जी। तो जो फैंट वाले होते हैं दूध, वो दूध कम देते हैं, ये देख लेना। अच्छा, मेरे फार्म में मैं देखा जो एक गाय मेरी थी, उसने फर्स्ट में तो दिया 35+ जी, दूसरी बहन में उसका 2.25 लाख रुपया मिले जी। और बहुत जान रहा जी, बहुत जान। अकेली कितने की है? ये अकेली, ये भी इसे कम तो नहीं है, 1 लाख के नेड़े जाएगी जी। अभी तो एक हफ्ता 6 रोज है इसको ब्याह को। कौन सी बहन की है? ब्याह दूसरे की है जी, दूसरे की। दांत कर गई पूरे? दांत पूरे कर। एक पंजाबी में कहावत है कि आप हर रस्सा दूध दवे तांतरी ना दवे तांतरी। नहीं, ये बात नहीं है जी। बात सुनो। हाँ जी। अब ये लो तुम्हारे पास आए। हाँ जी। तो अब अगर दोबारा तुमसे फोन करेंगे, बिल्कुल, तो मदद करो कुछ। बिल्कुल, नहीं ये अच्छी निकलेगी ताई, दोबारा फोन करेंगे मेनू। अच्छा, नहीं तो, नहीं तो गाड़ी देंगे। कई लोग तो फोन उठाते ही नहीं हो, कहते हम तो बिजी इतने। नहीं भाई, आप पाता अंकल जी कोई फोन करे जा उठा ही दे, अभी दसो की प्रॉब्लम है, जो भी है। जो एक बार जुड़ गया ना, हाँ। तो उसकी आखिरी घंटे मदद करांगे, जिन्ने जो के है कि उन्हें करांगे जी। ये दूसरे ब्याह था जी, उम्र मान लो 3-4 साल नेड़े तो हो गई। दूसरे बोला जी मेरे को, आप तीसरे मान लेते हैं जी। तीसरे मान लेते हैं। हम चौथे की बोलते हैं? नहीं, इतनी भी नहीं है बुढ़ी जी। कितना दूध देने वाली है? दूध तो अंकल जितना मर्जी, दूध तो 27-28 लीटर देगी बस। हाँ, इतने देगी। तो फैट क्या होगी इसकी? इसकी फैट ज्यादा होगी। तो क्या दाम? थोड़ी क्रॉस में जी, दाम तो मोल जितना मर्जी 75,000 की गांव दे देंगे जी। दूध बताया 27-28 देगी। ब्याने वाली है? ब्याने। कितना समय? 5-6 रोज लेगी जी। 5-6 रोज। सेक्सी मन है? नहीं, सेक्सी मन कोई नहीं। ऑर्डिनरी है? हाँ, इसका मुझे पता भी नहीं कौन सा है। फार्म की है? फार्म की, लेकिन मुझे पता नहीं इसका। सैलेज खाया हुआ है? सैलेज खाया हुआ है। इसके सीमन का भी मुझे कोई पता नहीं कौन सा। 75 ज्यादा बोल रहे? ज्यादा नहीं है जी। क्रॉस है? क्रॉस तो है, लेकिन दूध भी 27-28 निकालेगी और फैट इसकी ज्यादा जी। कितना कम करो? चलो थोड़े मौके पे थोड़ा पता कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, इनसे ऊपर अपनी खरीदी हुई है जी। 66 की? तो ऊपर देंगे 70 से बाहर जी। 71 की? चलो मौके पे कर लेंगे, पर इतना काम भी नहीं। मैं तो मेरे जज बोला जी।